नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 18 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने अपने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है, उन्हें सुधारने की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है। सभी अधिकारियों से यही अनुरोध है कि वो सुधर जाए, वरना उन पर सख्ती से पेश आया जाएगा। बिहार कैडर के 8 आईपीएस अधिकारी होंगे प्रमोटेड। बिहार कैडर के 8 आईपीएस अधिकारी को जल्द ही प्रमोट किया जाएगा, जिसका ऐलान बिहार सरकार ने खुद ही किया है। इस बाबत गृह विभाग ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, जिसके पश्चात 1975 बैच के आईजी सुशील एम खोपड़े और दरभंगा के आईजी पंकज कुमार दरदा एडीजी नियुक्त किए जाएंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन की बात पर मुहर लगाई गई है। जल जीवन हरियाली के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ। जल जीवन हरियाली को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री इन दिनों पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे हुए हैं। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के लिए कैमूर जिले पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय इस यात्रा की पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन आज किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री 11 बजे जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से शुरू हुआ STET के लिए आवेदन प्रक्रिया। STET देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। जो लोग STET परीक्षा का फॉर्म किसी कारणवश भरने में असफल हो गए थे, वैसे लोग अब एक बार फिर से STET परीक्षा के लिए आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें, सरकार ने यह फैसला हाल ही में STET के लिए आवेदन भरने वालों की उम्र सीमा में मिले छूट के कारण लिया है। अब सभी इच्छुक अभ्यर्थी 20 से 24 दिसंबर तक आवेदन भर सकते हैं। पटना मेट्रो में अब केंद्र सरकार की भी बढ़ रही है दिलचस्पी। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर लिए जा रहे फैसले में अब केंद्र सरकार भी दखलअंदाजी करने वाली है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार पटना मेट्रो के चेयरमैन और 4 निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही कर चुकी है। और अब केंद्र सरकार मेट्रो के लिए बनी स्पेशल कवरेज व्हीकल में भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर चुकी है, जिसके तहत अब SPV में राज्य और केंद्र सरकार की 50-50% की भागीदारी हो गई है। आवास सहायक और मुखिया को नवाजा जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार से। बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के कुबोरलिया पंचायत के आवास सहायक सोनम कुमारी और मुखिया रामबाबू सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन में उम्दा प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों के लिए पंचायत के मुखिया ने खुशी व्यक्त की है। ज्ञात हो, यह सम्मान समारोह दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद में 19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। 13 प्रखंड के पैक्स चुनाव का आया। भागलपुर जिले में चौथे चरण में हुए पैक्स चुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसके तहत नवगछिया और रंगरा में हुए पैक्स चुनाव में कई नए चेहरों को सम्मिलित होने का मौका मिला है। वहीं गोडी में अधिकतर ऐसे लोग की जीत हुई है जो कि पहले भी उसी पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा इस चुनाव में कुछ उम्मीदवार का चयन निर्विरोध भी किया गया है। भागलपुर और बांका में मार्च से शुरू हो जाएगी BSNL की 4G सेवा। सभी BSNL उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। BSNL ने भागलपुर और बांका जिले में अगले साल मार्च से BSNL की 4G सेवा मुहैया करवाने का ऐलान किया है। BSNL के इस कदम से गांव के लोगों को काफी सुविधा मिलने लगेगी। इस बाबत पत्रकारों को दिए अपने एक साक्षात्कार में BSNL के महाप्रबंधक ने कहा है कि वर्तमान में सुल्तानगंज, नवगछिया, बांका, अमरपुर समेत लगभग 150 जगहों पर कार्यरत है। नेटवर्क में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए MADM ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ा गया है। AQI मापने के लिए लगाए गए 3 अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजधानी पटना की आबोहवा में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए AQI को मापने के लिए 3 अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, इस वक्त समूचे देश में पटना 20वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर और गया भी प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना में 3 और डिस्प्ले स्क्रीन का आयोजन किया गया है, ताकि अब पटना की आबोहवा पर 4 कोनों से नजर रखी जा सके। बांका जिले में लगने वाला श्रावणी मेले में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हिंदू धर्म में सावन महीना काफी पवित्र माना जाता है। इसमें शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज के देवघर तक पैदल यात्रा करते हैं। 105 किलोमीटर की इस यात्रा में 64 किलोमीटर बांका में पड़ता है और पूरा एक महीना इस मार्ग में मेले जैसा दृश्य रहता है। केसी त्यागी ने भाजपा पर कसा तंज। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा का नाम लिए बगैर यह साफ कह दिया है कि किसी भी एक पार्टी का एजेंडा देश का एजेंडा नहीं बन सकता है। और जब सरकारें संयुक्त रूप से होती हैं तो एजेंडा सामूहिक होता है, किसी एक दल का नहीं। NRC और कैप के मुद्दे पर सबकी एकमत सहमति बननी जरूरी है। इस बाबत सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है।
अब बचत खाते में न्यूनतम 500 रुपए रखना होगा अनिवार्य। अब पोस्ट ऑफिस भी बैंक की राह पर चलने की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत अब पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना भी महंगा हो गया है। अब बचत खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपए की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इससे पहले मात्र 50 रुपए में ही आम नागरिकों का डाकघर में बचत खाता खोल दिया जाता था। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस बाबत 12 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके तहत बचत खाते में न्यूनतम राशि के प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया था। ऑस्कर 2020 की सूची से बाहर हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की द गली बॉय। ऑस्कर 2020 की सूची से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म द गली बॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यहां तक कि जोया अख्तर के निर्देशन में बनी गली बॉय टॉप 10 की मूवी लिस्ट में भी अपनी जगह नहीं बना सकी। ज्ञात हो, भारत ने गली बॉय को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा था। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे पवन सिंह की। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायकों में से एक है। गाने के अलावा पवन सिंह ने रंगली चुनरिया तोहरे नाम जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है। पवन सिंह ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत 1997 में ओढ़नी वाली एल्बम से किया था, जिसके पश्चात उन्होंने 2005 में कांच कसेली नामक एल्बम में अपनी आवाज दी थी। पवन सिंह को उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए साल 2016 में बेस्ट मेल सिंगर इन इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। 4 फरवरी से शुरू हो जाएगी सेना बहाली की प्रक्रिया। सेना में बहाली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के बोधगया में BMP-3 के ग्राउंड में 4 फरवरी से 18 फरवरी तक भारतीय सेना के लिए जवानों की बहाली की जाएगी। आपको बता दें, सेना के लिए करवाई जा रही इस बहाली में गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, जमुई, कैमूर, लखीसराय, नवादा, रोहतास और शेखपुरा के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार सरकार जल्द ही करेगी 10 इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी। इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अन्य चेहरे भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बाबत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही 10 और इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी करने वाली है, जिसके पश्चात अब विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, मुख्य सचिव, DGP समेत कई अन्य मंत्रियों को इलेक्ट्रिक कार की सुविधा दी जाएगी। UPSC ने जारी की अहम सूचना। UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने के IAS, IPS, IRS, IFS बनकर देश की सेवा करने की चाह रखने वालों के लिए अहम सूचना। UPSC ने इस परीक्षा में संबंधित कई अहम सूचना जारी की हैं, जिसके तहत अब इस परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी करने, रजिस्ट्रेशन डेट और प्रीलिम्स एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अब UPSC 12 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करेगा। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी 12 फरवरी से 3 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवार upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भरने की सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुम होने के लगाए गए पोस्टर्स। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुम होने के पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। खबरों के अनुसार NRC और कैब के मुद्दे के बीच में अब पटना के मुख्यमंत्री के गायब होने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। जारी किए गए पोस्टर में उनके गुम होने की खबर लगाई गई है। अगले 15 दिनों के अंदर इन SBI कार्ड धारकों का बंद हो जाएगा कार्ड। SBI कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी पुराने मैग्नेटिक ATM का इस्तेमाल करते हैं तो फौरन इसे बदलवा लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आप अपने पुराने ATM डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकलवा पाएंगे, यानी कि अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दें, सभी पुराने SBI कार्ड धारकों को नया EVM चिप कार्ड के साथ ATM कार्ड दिया जाएगा। बिल गेट्स को भी भाग गया बिहार, यह खुलासा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार को अब समूचे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग जानने पहचाने लगे हैं। यहाँ हुए विकास के कामों ने देश के साथ साथ विदेश में भी बिहार को अलग पहचान दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें, उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में एक सभा को संबोधित करने के दौरान कही है। बाढ़ बख्तियारपुर, फुलवारी और विक्रम में पैक्स चुनाव के लिए मतदान हुआ खत्म। बाढ़ बख्तियारपुर, फुलवारी और विक्रम में पैक्स चुनाव के मद्देनजर वोट डाले गए हैं। वोट की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक जारी रही। वोट देने के लिए लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जल्द ही इस चुनाव के परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के गुम होने वाले पोस्टर पर बोले तेजस्वी। पटना में जगह जगह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुम होने के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिस पर अब राजनीतिक पार्टियां चुटकी लेती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जारी किए गए पोस्टर को शेयर करते हुए यह लिखा है कि मुंह पर ताला, कान पे जाला, आंख पे पट्टी, नहीं अता पता है, कैब और NRC मुद्दे पर है वो मौन, बुझो कौन।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,350 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,170 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,690 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.59 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.74 रुपए प्रति लीटर था। भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहला वनडे हारकर 1-0 से पिछली भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। दूसरे वनडे में भारतीय टीम में कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतर सकती है। दूसरे वनडे के संभावित प्लेइंग 11 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और केदार यादव हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, श्रीमान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की भी संभावना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, नमामि गंगे योजना से गंगा नदी की कितनी सफाई अब तक हो पाई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।